हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज है सरस्वती पूजा और आप लोग सोच रहे होंगे ये तो वो जगह नहीं है जहाँ से मैं वीडियो बनाती हूँ। तो मैं आ गई थी ससुराल एक दिन पहले, रात में पहुँची थी। अच्छा, मुझे कुछ यहाँ पे मतलब हमें कुछ काम था जिस वजह से हमें ससुराल आना पड़ा अचानक। तो रात में आई थी मैं, करीबन 12-1 बजे पहुँची हूँ और ये सुबह का टाइम है, ज़्यादा सुबह नहीं है, 10 बज रहे होंगे। और यहाँ मैं बना रही हूँ पुआ। तो ये मैं सरस्वती माँ को भोग लगाने के लिए यहाँ पे पुआ बना रही थी। ऐसे सबके लिए बनेगा लेकिन अभी फिलहाल मैं सिर्फ चढ़ाने के लिए बना लूँगी, पूजा कर लूँगी, उसके बाद फिर बाद बाकी मैं पुआ बनाऊँगी। तो तानिया थोड़ा सा वीडियो बना रही थी तो हम यहाँ पर आ गई थी पूजा करने के लिए। छत पर ही हमारा छोटा सा मंदिर है तो वहीं पर मतलब सब पूजा जा होता है। तो तानिया आपको आसपास का पूरा व्यू दिखा रही थी कि आपको अजीब सा देख के लग रहा होगा चारों तरफ गीला गीला, क्योंकि काफ़ी बारिश हुई थी एक दिन पहले और अभी भी हो ही रही थी, लेकिन बहुत कम हो रहा था, मतलब बूंदा बूंदी हो रहा था, तेज नहीं हो रहा था, लेकिन बहुत बारिश के कारण ठंड भी बहुत बढ़ गई थी। और देखिए यहाँ का मेरे ससुराल का आसपास का व्यू कैसा है, चारों तरफ खेत ही खेत है और कितना हरियाली है ना, देखने में कितना सुंदर लग रहा है ना, काफ़ी अच्छा लग रहा था। थोड़ा सा मैंने ले लिया तो आपको मैं अच्छे से भी दिखाऊंगी। शाम में फिर जाती हूँ मैं ना खेत घूमने, तो मैंने फिर अच्छे से मैं वीडियो भी बनाई वहाँ पर क्या क्या खेत में लगे हुए हैं, तो वो मैं आपको बाद में अच्छे से दिखाऊँगी आगे वीडियो में। देखिए कितना बादल लगा हुआ है आसमान में और दूर का कुछ दिख नहीं रहा है क्योंकि बादल लगा हुआ था, कुहासा भी हल्का हल्का था। और ये देखिए सारा मिट्टी सब कैसे गीला हो गया है बारिश के कारण छत का। और अब जाती हूँ, पहले मैं पूजा वूजा कर लूँगी ना उसके बाद। तो देखिए इस तरफ का भी दिखा रहे, वो उस तरफ का व्यू सब था और ये इस साइड का है। तो यहाँ में मतलब गाड़ी खड़ी है हमारी और यहाँ बगल में ना स्कूल है, तो वही ये सब बेंच वगैरह, ये खाली जो फील्ड है ना इसमें ना बेंच वगैरह लगाया हुआ है, इसको स्कूल की तरह बनाया हुआ है। देखिए आगे मैं आपको अच्छे से दिखाऊंगी इस वीडियो में। तो ये हमारा घर, हमारे जो ससुराल का जो घर है उसके आसपास का कुछ व्यू इसी तरीके से। काफ़ी हरियाली है यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे खेत है, खेती होती है तो हरियाली तो रहेगी। ये देखिए यहाँ पे स्कूल की तरह बना हुआ है, 3 बोर्ड भी लगे हुए हैं नीचे। मतलब यहाँ कहा गया है ना कोरोना के कारण मतलब अंदर नहीं पढ़ाया जाएगा, बंद में, जैसे खुले में पढ़ाना है, इसीलिए इस तरह से यहाँ पे बनाया हुआ है। 3 बोर्ड लगा हुआ है, कुछ बेंचेस लगे हुए हैं, यहाँ बच्चों को पढ़ाया जाता है इस तरीके से। बारिश के कारण पूरा बेंच वगैरह सब भीगा हुआ है। और ये देखिए छत पे हमारा एक छोटा सा कोठली है जहाँ पर हमने खरगोश पाल रखा है, तो ये खरगोश यहाँ पर तो देखिए वीडियो बना रहे थे कितना अच्छा से ये भी सेल्फी दे रहा है। और यहाँ पर मैं जा रही हूँ पहले पूजा कर लेना, तो यहीं छत पर हमारा एक छोटा सा मंदिर है तो वहीं मैं पूजा करने जा रही थी। तो यहाँ मैं पूजा करता नहीं, वीडियो बना रही तो आप लोग एंजॉय कीजिएगा मैंने कैसे कैसे पूजा की। और यहाँ ना हमारा देवता है, हमारा जो गोसाई बोलते हैं ना अपना देवता जो होता है वो है, तो वही मैं यहाँ पे इनके मतलब ये कर ले रही हूँ पूजा यहाँ पे इस तरह से। और उसके बाद फिर मैं सरस्वती पूजा अच्छे से करूँगी, यहाँ मूर्ति वगैरह फोटो वगैरह लगा के सारा। तो देखिए मैं यहाँ तैयारी कर दूँगी, मैं पहले पूजा कर लूँगी, फिर यहाँ पे तानिया पूजा करेगी, फिर सब बच्चे सब आगे बस प्रणाम वगैरह कर लेंगे। यहाँ मैं अब गुलाल चढ़ा रही हूँ कि आज से होली की शुरुआत हो जाती है ना, तो गुलाल चढ़ाया जाता है इस तरह से, इसीलिए। तो आप लोग मेरे पूजा इंजॉय कीजिए, आगे वीडियो को इंजॉय कीजिए कैसे कैसे मैंने पूजा किया है, क्या क्या दिखाया मेरे करने का, फिर तानिया भी करेगी। तो ये देखिए तानिया यहाँ पे पूजा कर रही है, तो सब कुछ तो मैं तैयारी कर ही दिया था, बच्चों से तो होगा नहीं ना, मैंने भी पूजा कर लिया था। अब तानिया यहाँ पे वही पूजा करने के बाद यहाँ पे हवन की तैयारी कर रही है, छोटी सी हवन अपने जो कर ले रही है। और सब बच्चे यहाँ वहाँ घूम रहे हैं, जब कर लूँगी पूजा तब बुलाऊँगी तो फिर वो आके यहाँ पर पूजा करेंगे, प्रणाम करके जाएँगे। तो यहाँ तानिया कर ले रही है पहले पूजा। और उसे करने के बाद मैंने भी फिर थोड़ा हवन कर लिया यहाँ पे, इसी तरह से छोटी सी पूजा घर में हमने अपनी की, सरस्वती पूजा। तो एक वीडियो ना मैंने तैयार करके रखा था कि मैं डालूंगी, लेकिन अचानक हमें यहाँ ससुराल आना पड़ गया जिस वजह से मैं वो वीडियो डाल नहीं पाई, समय भी नहीं मिल पाया। बना हुआ वीडियो था, सिर्फ उसे डालना था लेकिन मैं अपलोड करना था लेकिन मैं नहीं कर पाई। तो फिर सरस्वती पूजा यहाँ पर आके कर ली, तो मैं सोची पहले यही वीडियो अपलोड कर देती हूँ, फिर वो वीडियो बाद में जाएगी। तो इस वीडियो के बाद वाला वीडियो जो होगा ना वो फिर वीडियो उसके बाद आएगी, वो वहीं का वीडियो है। तो ये देखिए मेरे हस्बैंड और मेरे देवर वहाँ बाहर खड़े थे, और ये जो है ना मेरी देवरानी यहाँ पूजा कर रही है मेरे करने कुछ देर बाद, फिर ये भी आके पूजा की थी, तो तानिया ने आके इसका भी थोड़ा वीडियो ले लिया था। तो ये बीच वाली देवरानी, छोटी वाली देवरानी नहीं थी मेरी, हम 3 है, तो छोटी वाली मायके गई हुई थी, ये बीच वाली है।
तो साड़ी का कलर एक ही जैसा है ना, तो थोड़ा सा आप लोग कन्फ्यूज जाएंगे, इसलिए मैंने बता दिया अच्छे से। और ये देखिए, ये इसकी छोटी वाली बेटी है, ये भी यहाँ पे प्रणाम कर रही है आके। और ये तृप्ति और ये देवरानी की बड़ी वाली बेटी, इसका नाम परी है, वो दोनों बाहर खड़े हैं। ये मतलब वो भी आएगी, फिर यहाँ पे प्रणाम करके जाएगी। और ये बच्चे लोग तैयार वार होके अब जा रहे हैं, बगल में पूजा हुआ है, पंडाल बना है ना, तो वहीं पे ये लोग देखने जा रहे थे, पूजा करने जा रहे थे। और उसके बाद फिर बचा हुआ जो पुआ था वो मैं आके यहाँ बनाई, और फिर हम लोग यहाँ बैठ के खा रहे हैं खाना, पुआ और सब्जी, और बच्चे भी साथ में खा रहे हैं। बच्चों तो बच्चे ने खा लिया था, लेकिन फिर भी होता है ना, मम्मी जब खाती है तो वो लोग थोड़ा बहुत तो खा ही लेते हैं साथ में। तो यहाँ पर वही, ये दोनों बच्ची जो है, ये बीच वाली की है वो बड़ी वाली बेटी, ये छोटी वाली बेटी है, और मेरी ये छोटी वाली बेटी तृप्ति, तो खुद आप जानते ही हैं। तो ये लोग भी साथ में खा रहे हैं, और तानिया जो है वो वीडियो बना रही है। तो वही मैं बना था पुआ और आलू मटर की सब्जी, तो वही हम लोग खा रहे हैं। नाश्ता का टाइम तो निकल ही चुका था, दोपहर हो चुका था खाते खाते, तो ये एक तरह का समझे लंच ही हो रहा था, और मतलब एक ही साथ हो गया था। फिर पुआ खाने के बाद फिर हम लोग चावल भी खा लिए एक ही बार में, मतलब खाना वाना सब एक बार में हो गया। और फिर ये हो रहा है शाम का टाइम, जो मैंने कहा था मैं जाऊंगी शाम को थोड़ा घूमने, तब बहुत नज़दीक से खेत दिखाऊंगी। तो ये शाम का टाइम है, ये मैं अपने खेत में आई थी थोड़ा सा घूमने के लिए। ये पूरा मेरा नहीं है, और बहुत तो कहा, और यहाँ मेरा भी अपना भी है, तो सब में लगा हुआ है आलू। तो शाम के टाइम निकले थोड़ा सा घूमने टहलने खेत देखने। अभी समय बारिश वरिश नहीं थी, ठीक हो गया था, बारिश नहीं हो रहा था। तो यहाँ जो साइड साइड से लगा हुआ है, ये है सरसों और बीच में है आलू। ये जो पौधे दिख रहे हैं, आलू का पौधा, पूरा खेत में अभी आलू ही लगा हुआ है, और साइड साइड से जो पीला पीला है वो सरसों के फूल है सब। देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना, कितनी हरियाली है ना यहाँ पे, मतलब बहुत ज़्यादा हरियाली है चारों तरफ, एकदम खेत ही खेत। आप लोगों को ये वीडियो जरा भी अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट करके भी बताइएगा। तो यहीं तक था मेरा आज का वीडियो, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में न्यू वीडियो के साथ।